हेलो, वेलकम फ्रेंड, आपका वीडियो में स्वागत है। आज हम सीख रहे हैं कि एमएस वर्ड में है, और उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और हमारी वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलिए हम सीखते हैं एमएस वर्ड में। आज सीखते हैं कि जो वर्ड आर्ट होता है, हम उसमें अपना नाम कैसे लिख सकते हैं, और कुछ भी उसके जो सिंबल होते हैं वो कैसे हम उसको कलर और उसका फॉन्ट कैसे चेंज कर सकते हैं। सबसे पहले हमको एमएस वर्ड को ओपन कर लेना है। हम एमएस वर्ड की स्क्रीन पे हैं, उसके बाद हमको क्या करना है, उसके बाद यहाँ पर ऊपर देख सकते हैं, जब हम इंसर्ट के मेनू में आते हैं तो यहाँ पर देखिए इधर वर्ड आर्ट का एक ऑप्शन आ रहा है टेक्स्ट बॉक्स के साथ, और डेट एंड टाइम की इधर यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड के आपको दिख जाएगा। यहाँ पर मेरा कर्सर क्लिक कर रहा होगा, यहाँ पर देखिए वर्ड आर्ट पे आपको आना है। उसके बाद आपको यहाँ पर इधर क्लिक कर लेना है। माउस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शन आपको दिख जाएंगे। उसके बाद आपको कोई भी इसमें सिलेक्शन कर लेनी है, लाइक मैंने ये सिलेक्ट कर लिया है। इसमें मैंने इसको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर देखिए इधर इस पे माउस का क्लिक करता हूँ। माउस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपको एक बॉक्स देखा मिल जाएगा। यहाँ पर लिखा है योर टेक्स्ट हियर, यानी आपको यहाँ पर आपको कुछ टाइप करना होगा। जैसे मैंने यहाँ पर इसको अरेज कर दिया बैक स्पेस से, उसके बाद मैंने यहाँ पर इसको टाइप कर लेता हूँ कंप्यूटर। मैंने यहाँ पर कैप्स लॉक ऑन कर लिया था, उसके बाद यहाँ पर देखिए मैं इसको कैपिटल लेटर में लिखता हूँ कंप्यूटर। यहाँ पर मैंने कंप्यूटर लिख लिया। उसके बाद जब मैंने इधर को यहाँ पर वर्ड आर्ट को यहाँ पर डिक्लेयर किया, तो यहाँ पर आपको देख सकते हैं ऊपर एक बार मेनू ओपन हो चुका है। यहाँ पर यहाँ इसको कहते हैं कि फॉर्मेट, फॉर्मेट में यहाँ पर आपको देख सकते हैं इधर यहाँ पर आपको क्लिक करने के यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल रहे हैं। यहाँ पर मैंने ये कुछ भी ऑप्शन यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पर देखिए फिलिंग अपने आप बैकग्राउंड की फिलिंग आ चुकी है। अगर आप इसको अपने मैनुअल के तौर पे फिल करना चाहते हो, यहाँ पर पहला ऑप्शन हमारे पास है शेप फिल का। शेप फिल में आपको यहाँ पर कलर जो आप फिल करना चाहते हैं, लाइक मैंने रेड कलर फिल कर दिया। जो उसके बॉक्स की जो आउटलाइनिंग है उसका कलर क्या करना चाहते हैं, मैं इसका ब्लैक रखना चाहता हूँ, मैं ब्लैक कर लेता हूँ। और शेप अफेक्ट यहाँ पर आप रखना चाहते हैं, जो शेप है उसका क्या अफेक्ट रखना चाहते हैं, जैसे कि जो शेप है इसकी शेडो रखना चाहते हैं तो आप उसको शेडो कर सकते हैं। अगर नहीं तो आप यहाँ पर पहले वीडियो बहुत देख सकते हैं, हम ग्रो का ऑप्शन लगा रहे हैं यहाँ पर, देख सकते हैं इसको हम ग्रो के ऑप्शन में लगा सकते हैं। और उसके साथ नहीं तो आप इसका रिफ्लेक्शन देखिए, रिफ्लेक्शन में आपको बहुत बढ़िया चीज़ आपको नजर आएगी। यहाँ पर देख सकते हैं आप, थोड़ी थोड़ी आपको जूम के मैं करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं आप इधर कैसे आपको थोड़ी सी दिख रही है। उसके बाद हम फिर से इस पर क्लिक करते हैं, फॉर्मेट में चलते हैं। फॉर्मेट में जाने के बाद यहाँ पर देखिए जो टेक्स्ट के लिए जो टेक्स्ट का कलर चेंज करना चाहते हैं तो उसका आप कलर कैसे चेंज कर सकते हैं। उसका कलर मैंने यहाँ पर उसके कॉम्बिनेशन में रख देते हैं, जैसे येलो कलर रख दी है। उसके बाद जो टेक्स्ट की आउटलाइनिंग है वो आप रखना चाहते हैं तो टेक्स्ट की आउटलाइनिंग मैंने ये कर दी है। उसका जो कलर है थोड़े से ब्लू है, उसको कलर का थोड़े से डिफरेंट कम पता लगता है यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर जो मोर आउटलाइनिंग कलर चाहते हैं तो यहाँ पर आप क्लिक कर सकते हैं। आउटलाइनिंग का कलर आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर क्लिक करके उसको ओके कर देना है। उसके बाद आपको टेक्स्ट आउटलाइनिंग के यहाँ पर देख सकते हैं जो हमने लिखी हुई है वो कम आपको नजर आ रही है। यहाँ पर आप उसकी वेट थोड़ी कम है, उसको ज़्यादा कर देते हैं 6 PT, थोड़ी थोड़ी ज़्यादा हो चुकी है वो पहले लगा था। यहाँ पर देखिए हम 2 PT रख देते हैं, 2.5 पॉइंट कह सकते हैं PT को। और उसके बाद आ जाती है टेक्स्ट का जो इफेक्ट होता है, जो ग्लो होता है वो आप कैसा रखना चाहते हैं। पहले हम आपको बताता हूँ रिफ्लेक्शन का। यहाँ पर देखिए रिफ्लेक्शन आपको यहाँ पर नज़र आ रहा होगा, इसको थोड़ा मैं बड़ा कर देता हूँ, आपको अच्छे से नज़र आएगा। यहाँ इसको यहाँ से माउस के क्लिक के साथ आप इसको बड़ा कर सकते हैं। और इसको बड़ा करना चाहते हैं तो इसको पहले सिलेक्ट करना होगा माउस के साथ। माउस के साथ इसको सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर देखिए इधर होम पे आ जाना है। होम पे आने के बाद यहाँ पर इसका साइज डिक्लेयर करना चाहते हैं तो वो साइज आप इसका डिक्लेयर कर सकते हैं, जैसे कि मैंने 72 एंटर कर दिया। उसके बाद फिर से मैंने फॉर्मेट में आ गया। फॉर्मेट में आने के बाद यहाँ पर ये देखिए मैं इधर क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर देखिए आपको रिफ्लेक्शन नजर आ रही होगी, यहाँ पर इसके शेडो नीचे नजर आपको दिख रही होगी। इसके बाद आपको फिर से यहाँ पर क्लिक कर देना है और इधर देखते हैं कि जो आउटलाइनिंग चल रही है हमारे पास, और फिर आपने जो 2 पॉइंट दे रही थी उसके बाद जो हम की आउटलाइनिंग होती है उसका जो शेप होती है वो चेंज करना चाहते हैं, जैसे कि वो डॉट में आ सकती है, थोड़े सिंबल में आ सकती है, डैशेस में आ सकती है, वो कैसा रखना चाहते हैं तो वो आप इसके मुताबिक आप यहाँ देखिए जो आपको बढ़िया लग रहा है। ये देखिए कितना बढ़िया लग रहा है, ये आउटलाइनिंग बन चुकी है। उसके बाद जो टेक्स्ट इफेक्ट है हमारे पास, ये देखिए आप कुछ भी इसका टेक्स्ट इफेक्ट रख सकते हैं, जैसे कि मैंने ये कर दीजिए, देखिए बहुत बढ़िया लग रहा है। ये अगर आप इसको 3D रोटेशन में रखना चाहते हैं तो आप इसको 3D रोटेशन में भी रख सकते हैं, देखिए कितना बढ़िया लग रहा है। और उसके बाद ये अगर आप इसको 3D रोटेशन नहीं रखना चाहते तो आप इसको सीधा जो जो भी आपको बढ़िया लगता है, ये देखिए बहुत बढ़िया है। ये भी देखना कितना
जी देखिए अपनी कितनी बढ़िया चीज लग रही है आपके पास। यहाँ पर आपको टेस्ट कट जो करना है उसके बाद हम क्या करते हैं इसको मैं आपको पहले तो ट्रीटमेंट जो सीधा कर देता हूँ इसकी वजह सीधा हो गया। उसके बाद ये कर देखिए आप ट्रांसफॉर्मेशन रखना चाहते हैं जैसे जैसे ये पहला फॉलो पास है जैसे ये रखना चाहते हैं तो ये रख सकते हैं। आप जैसा भी आप अपना ये अकॉर्डिंग रख सकते हैं जैसे कि मैंने ये घुमा देता हूँ ये वाला बढ़िया लग रहा है। ये देखिए ये भी अपना जिस तरह भी आप टेक्स्ट को लिखना चाहते हैं तो आप उसको टेक्स्ट को आप लिख सकते हैं। और थोड़ा सा कह सकते हैं वीप की साइड में जैसे कि वीपीएस में होते हैं जैसे ये है। ये देखिए आप इसको यहाँ पर आप ये कलर फिलिंग शेप आउटलाइनिंग और शेप इफेक्ट जो मैंने आपको बताया है वो कर सकते हैं। शेप की जो आउटलाइनिंग है थोड़ी सी बड़ी बनाना चाहते हैं तो इसके अभी इधर ही है उसकी वेट आप इंक्रीज कर सकते हैं जैसे कि मैंने 6 पॉइंट कर देता हूँ 6 पॉइंट कर देते हैं। ये देखिए कितना बढ़िया चीज आपको लग रही है। यहाँ पर नीचे आपको शेडो दिखाई दे रही है उसके बाद कलर की जो अपने करेक्टर की जो अल्फाबेट लिखे थे उसके कंप्यूटर की यहाँ पर जो आउटलाइनिंग थी उसका इफेक्ट आपको नजर आता होगा। यहाँ पर देख सकते आप इसको टेक्स्ट को आप लिख सकते हैं। आई होप आपको वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। लाइक कीजिए शेयर कीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं और नई।